शुभोदय बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारी 10वीं कक्षा का पाठ है बरसते हुए बादल। मैं 10वीं कक्षा को पाठ बोलने जा रही हूँ जिसका नाम है बरसते बादल। बरसते बादल के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। तो उन्मुखीकरण यानी मैं आपको पाठ से पहले एक छोटी सी कविता को बताऊंगी, उससे संबंधित कुछ प्रश्न पढ़ूंगी। तो यहाँ पर आपको पहले उन्मुखीकरण के अंदर एक छोटी सी कविता दी गई है, तो ध्यान से सुनिए और मेरे पीछे पढ़िए। क्या गाती हो, किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। तो इसका फिर से मैं आप मेरे पीछे पढ़ना है आपको। क्या गाती हो, किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। तो हम कविता पढ़ चुके हैं, अब कविता से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे। मीठे गीत कौन सुनाती है? तो यहाँ कविता के अंदर मीठे गीत कौन सुना रही है? गीत हमें कोयल। यहाँ पर हमें उत्तर क्या लिखना होगा? कोयल। कोयल किसके लिए पानी मांगती है? कोयल किसके लिए पानी मांग रही है इस कविता में? धरती के लिए। इसका उत्तर होगा धरती के लिए। तीसरा प्रश्न है, बादल प्रकृति की शोभा कैसे बढ़ाते हैं? तो बादल प्रकृति में शोभा कैसे बढ़ाते हैं, यानी बादल होने से ही वर्षा होती है, वर्षा होने से धरती पूरी क्या होती है, सुंदर लगने लगती है, क्योंकि हर तरफ पौधे उगते हैं, पौधे धरती की पूरी सारी धरती हरियाली छा जाती है, इससे यहाँ का सारा धरती का वातावरण बहुत सुंदर होने लगता है। यह था इसका उत्तर। अब उद्देश्य यानी इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इस पाठ से हमें क्या सीख सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए, प्रकृति के प्रति काव्य रचनाओं के प्रोत्साहन के साथ साथ सौंदर्य बोध यानी खूबसूरती, किस तरह से हमें खूबसूरती को दिखाई देती है, सौंदर्य बोध पाना और मनोरंजन करना, मनोरंजन यानी एंटरटेनमेंट, दूसरों को कैसे एंटरटेनमेंट हम कर सकते हैं। विधा विशेषण, बरसते बादल कविता पाठ है कविता भावनाओं को उद्धांत बनाने के साथ साथ सौंदर्य बोध को भी सजाती संवारती है। प्रस्तुत कविता नाथ ध्वनि के साथ गेय योग्य है। गेय यानी कविता, हम जो गेय यानी गाना, जो जिस प्रकार से हम गाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कवि परिचय। तो इस बरसते बादल के कवि कौन हैं? सुमित्रा नंदन पंत जी। अब हम सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाने वाले सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 1900 में अल्मोड़ा में हुआ। तो इनका जन्म कहाँ हुआ बच्चों? अल्मोड़ा में हुआ। साहित्य लेखन के लिए इन्हें साहित्य अकादमी, तो इन्हें साहित्य लेखक है ना, ये बहुत अच्छे लेखक यानी लिखने वाले, तो इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया? साहित्य अकादमी। सोवियत रूसो और ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, सोवियत रूसो और ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। हमें किससे सम्मानित, किसके बारे में सुन रहे हैं हम? ये सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथी, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्रसमय, स्वर्ण किरण, काल्हा और बूढ़ा चांद तथा चिदंबरा आदि। तो इनकी और एक सबसे बड़ी रचना क्या है? चिदंबरा। इन्हें चिदंबरा काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका निधन 1977 में हुआ। तो इनका निधन कब हुआ? 1977 में हुआ। ये था सुमित्रा नंदन जी का कवि परिचय। तो बच्चों, ये कवि परिचय आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, मुख्य है, क्योंकि हर प्रश्न पत्र में आपको कवि परिचय पूछा जाता है। इसलिए मैं एक बार फिर से पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिए और देखिए, जहाँ नहीं समझ में आ रहा वहाँ पर आप अंडरलाइन कीजिए। प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाने वाले सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 1900 में अल्मोड़ा में हुआ। साहित्य लेखन के लिए इन्हें साहित्य अकादमी, सोवियत रूसो और ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा,
ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्रंथमय, स्वर्ण किरण, काल्हा और बूढ़ा चांद तथा चिदंबरा आदि। इन्हें चिदंबरा काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका निधन सन 1977 में हुआ। तो आज हम बच्चों इस कविता के अंदर कविता और बरसते बादल के लेखक सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में जानकारी प्राप्त करे थे। तो बच्चों, सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में आपको इसके अंदर जो भी नहीं समझ में आ रहा, जो कठिन शब्द हैं, आप हमें लिखकर सेंड कीजिए और अगली कक्षा में मुलाकात होगी और हमें अगली कक्षा में कविता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।